चलो दूर बेटा, इनकम मेरी पहले 0 थी, फिर वो 40 हुई, फिर वो 80 हुई, फिर वो 120, फिर 160, फिर 200। इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, पर इनकम जिस रेट से बढ़ती है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ता। धीरे बढ़ता है। हाँ, धीरे धीरे बढ़ता है। तो सपोज करो इनकम जब 0 थी तो हम कुछ ना कुछ जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ खाते हो बेसिक नीड्स के लिए, कितने, हाँ 20 रुपए। अब इनकम कितनी बढ़ी, 40, तो कंजम्पशन कितने से बढ़ाओ, 30 से, हर बार 30 से, तो 20 में 30 जोड़े दो, फिर बेटा आपकी कमाई केवल दो ही जगह खर्च हो सकती है, या तो आप उसको खाओगे या फिर उसको आप बचाओगे, या तो आप खाओगे या फिर उसको, इसके अलावा बताओ, उड़ाना मतलब खाना। किसी में लगा देना। वो भी खाना ही होता है। आपने 100 रुपए कमाए तो आप इन 100 रुपए का क्या कर सकते हो, या तो इसको आप खाओगे या फिर बचाओ, कंजम्पशन, चैरिटी। अच्छा, वो भी कंजम्पशन हो गया, यूज किया। खा कंजम्पशन का मतलब है खाना नहीं हुआ, यूज करना हुआ। ठीक है, तो अब चेक करते हैं कि भाई जब मेरे पास 0 रुपए थे और 20 रुपए खा रहा था तो सेविंग कितनी होगी, -20। तो इसका क्या मतलब होता है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर है, 0 होनी चाहिए भैया, 0 होनी चाहिए सेविंग तो। बेटा मैंने अभी तुमसे दोबारा से पूछा, मेरे पास कुछ नहीं कमा रखा मैंने, मुझे 20 रुपए खर्च हाँ, करने, तो वो 20 रुपए कहाँ से आएंगे, बताओ लूंगा या तो किसी है? से मांगूंगा। मांगने को डिस सेविंग बोलते हैं बेटा, माइनस सेविंग। ठीक अच्छा है, ठीक, इसको ये अब ठीक है, ठीक है अब ठीक है जशन। हाँ, इनकम को ना वाई बोलते हैं, नहीं तू आई क्यों बोल रहा था, फिर चेक कर इधर। अब मैं 40 रुपए कमा रहा हूं और 50 रुपए लुटा रहा हूं, फिर भी कहां से लेके आ रहा हूँ, 10 रुपए की तो जरूरत पड़ी होगी, है ना। 40 रुपए कमाए, 40 रुपए लुटा दिए, फिर भी 10 रुपए और एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, तो वो कहां से लाऊंगा, मैं सेविंग में से निकालूंगा 10 रुपए सेविंग, तो क्या दिक्कत है, तू वस्तु है। अब मेरे मैं 80 रुपए कमा रहा हूँ और 80 रुपए ही लुटा रहा हूँ, अब मैं 100 रुपए 20 रुपए कमा रहा हूँ और 110 रुपए बचा रहा हूँ, समझ में आ गया। अच्छा, अब एग्रीगेट सप्लाई क्या बोलता है, इस सी को एस से प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा, सी में एस प्लस कर दो तो एस आ जाएगा। हाँ भाई, तुझे कॉल करने। हाँ भैया, शॉप पे बैठे रहोगे 2-4 मिनट के लिए, आ रहा होगा बंदा। भैया अब मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं 5 मिनट बोलूंगा तो वो 6ठे मिनट में आ जाएगा भैया, या 5-4 मिनट में आ जाएगा। अरे भैया मैं परेशान हो गया, मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, कोचिंग के बीच में 10 कॉल आ रही है, तो फिर वो एकदम मेडिटेशन हो जाती है पूरी पूरी, कोचिंग जो नेटवर्क ज्वाइन होता है वो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है बिल्कुल। आप ही की नहीं, बहुत लोगों की कॉल आ गई अभी। एक सौ बीस एक सौ अब क्या कहते हैं, एस क्या होता है, सी प्लस एस, 110 और 10 120, 140 प्लस 20
160 सॉरी सॉरी, वो उससे बात करते हुए कट गया, 80 आएगा। ये आपकी एएस हो। अब चेक करो, इनकम भी सेम है, और एएस भी सेम है। तो हमारी, हम ये बोल सकते हैं कि एएस इज इक्वल टू वाई भी होती, यानी एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम भी। समझ में आ गया बच्चों? ग्राफ बना इसका। छह सेंटीमीटर इधर, छह सेंटीमीटर उधर। सिक्स सिक्स सेंटीमीटर पे लगाओ और दो दो एक एक सेंटीमीटर पे वो लगा देना। हाँ हाँ बेटा, जो दुकान पे बैठा हुआ है जिसको देना है, तू पहुंच गया? ठीक है, छह सेंटीमीटर इधर, छह सेंटीमीटर इधर, और एक एक सेंटीमीटर का गैप। यहां पे आती है एग्रीगेट सप्लाई और यहां पे आती है इनकम। क्या दिया? यहां पे आती है एग्रीगेट सप्लाई और यहां पे आती है आपकी इनकम। जब जी, अब उसको स्केड्यूल को देखो, जब जीरो इनकम थी तो सेविंग कितनी थी, एग्रीगेट सप्लाई कितनी थी, जब जीरो इनकम थी तो जीरो, जब 40 इनकम थी तो एग्रीगेट सप्लाई कितनी थी, 40। बहुत बढ़िया। जब 80 थी तो 80, 120 थी तो 120, 160 थी तो 160, और 100 कुछ चेक करोगे, एक स्ट्रेट लाइन बन के आ रही होगी, एंड दैट स्ट्रेट लाइन विल डिवाइड दिस ग्राफ इनटू टू पार्ट, वो 45 डिग्री पे कटती है, कुछ इस तरीके से बन के आएगी। ऐसे आ जाओगी, ये वाला ग्राफ इधर ही मान लेना, ठीक है ना, चेक कर लो। और ये 45 डिग्री का लाइन बना दिया, क्या बना दिया, 45 डिग्री का, इसको एएस बोलते हैं, सी प्लस एस।
किसी को कोई दिक्कत? आपका एग्रीगेट सप्लाई भी खत्म हो गया। ये तीन तीन मार्क्स के या चार चार मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ड्रॉ मतलब बोलेंगे ड्रॉ एग्रीगेट सप्लाई कर, ड्रॉ एग्रीगेट डिमांड कर, डेफिनेशन लिखनी है, शेड्यूल बनाना है, डायग्राम बनाना है, ठीक है ना? एक कुछ नहीं, तीन चार मार्क्स में एक्सप्लेनेशन क्या दूंगा, बड़े में नहीं आएगा। बड़े में क्या आएगा वो अब मैं बताता हूँ। लिखो नया हेडिंग बेटा, बना लिया जूम के खिलाड़ी? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ कर गया। ये हाँ भैया किसने बोला? मैंने। मैं अच्छा हाँ। किसने बोला? भैया मैंने। अरे मैंने कौन? मैंने कर रिचा कशिश एक जैसी आवाज लगती है दो तीन बच्चों की तो। भैया रिचा। रिचा रिचा कान का दर्द ठीक है? नहीं भैया उसने मना कर दिया। क्या कर दिया? अरे यार चुप रहिए। क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट, छह मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है एक इम्पोर्टेंट। अब जब मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ तो उसको मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपने वेरी इंपॉर्टेंट खुद मतलब मैं लिखूंगा, आप खुद लिख लेना अपने आप। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि छह मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और इसी से क्या कहते हैं इक्वेशंस भी बन के आएंगे, इसी से भी इक्वेशन बनेंगे जो मैथमेटिकल सारे सवाल इसी से होंगे जो पढ़ने वाले हैं। कंजम्पशन फंक्शन जो हमने पीछे पढ़ा था ना उसको छोटा सा मतलब एक्सप्लेनेशन है। हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ता है, बट इनकम तेजी से बढ़ती है और कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ता है धीरे धीरे। तो ये इसको यही लिखना है। अभी फंक्शन है तो इसको थोड़ी सी तरीके से लिखा जाएगा। तो लिखो कंजम्पशन फंक्शन पेन नहीं बेटा, कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आवाज कट रही है भैया, फिर से बोलो। कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द कंजम्पशन। दोबारा से बोलते हैं, अर्थ किया है कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। फिर इसके नीचे लिखो सी इज फंक्शनल, एफ बनाया वाई, मतलब इसका कहने का मतलब फंक्शन का कोई यूज नहीं है। जैसे जैसे वाई बढ़ेगा वैसे वैसे सी बढ़ेगा, जैसे जैसे वाई घटेगा वैसे वैसे सी घटेगा। सी कंजम्पशन है, वाई इनकम। रिलेशनशिप बताती है आपको कैसी रिलेशनशिप है। हेलो एफ क्या भैया? सी इज इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप वाई, एफ फंक्शन का साइन दिखाता है, वाई इनकम है, सी कंजम्पशन है। वाई को बस इग्नोर करो। अब इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन उसी डायरेक्शन में घटना चालू होगा। अब कितनी रेट से घटेगा या घटेगा वो नहीं बताएंगे, वो बाद में बताएंगे। बस ये था कि अगर वाई बढ़ेगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, वाई घटेगा तो कंजम्पशन घटेगा। अब लिखो द लॉ ऑफ कंजम्पशन फंक्शन स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ बेटा पीछे चेयर रखी हुई है, आराम से बैठ लेकर प्रकाश बेटा। हाँ देखो आराम से हैंड रखने के लिए। द लॉ ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप सॉरी द लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट्स दैट द लॉ ऑफ कंजम्पशन स्टेट्स दैट एज इनकम राइज
consumption also rise. The law states that as income rise, consumption also rise, but the rate of rise of income is greater than the rate of rise of consumption. वेरी इंपॉर्टेंट है ये लिख के ही आना होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लो पहले क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लो. द लॉ स्टेट्स दैट, ये बोलता है कि इनकम राइज होगी तो कंजम्पशन राइज होगा, बट इनकम जितनी तेजी से राइज होगी उतनी तेजी से कंजम्पशन राइज नहीं होगा. ये लिखा हुआ, कौन तेजी से राइज करेगा? इनकम. और कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा एज कम्पेयर टू इनकम. बस ये वाली बात यही थी. ठीक है, लिखो स्केड्यूल. हाँ सब ठीक है. हाँ बना लिया सबने? हाँ भैया. अब तुम दोनों की बातें खत्म हो गई हैं तो पढ़ाई कर लें. ठीक है, ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है. इनकम एक साइड दे रखी है, कंजम्पशन एक साइड दे रखा है, इनकम बड़ी कंजम्पशन बढ़ा. फिर मैंने अगली साइड में क्या दे रखी है कि नेगेटिव सेविंग होती है, और फिर ब्रेक इवन पॉइंट आया था. भैया दोबारा बता देना एक बार. इतनी देर हो गई, तू रोकड़ा देके नहीं गया? मैं दुकान जल्दी जा, दुकान जल्दी जा, दुकान जल्दी जा, जल्दी से दुकान जा. देखो सुनो, इनकम दे रखी है, कंजम्पशन दे रखा है. इनकम बढ़ते हुए दिखाई है, कंजम्पशन को भी बढ़ता हुआ दिखाया हुआ है. इनकम तेजी से बढ़ रही है, कंजम्पशन धीरे बढ़ रहा है. इनकम 40 से बढ़ रही है हर बार, कंजम्पशन 30 से बढ़ रहा है. ठीक है, अगला लिखा हुआ है, अगले उसमें दिखा हुआ है कि पहले नेगेटिव सेविंग होती है, फिर जीरो हो जाता है, जीरो मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, देन पॉजिटिव सेविंग आती है. ये सारी चीजें लिखूंगा तब समझ में आ जाएगा. बस इतना समझ में आ रहा है नेगेटिव सेविंग का मतलब क्या है? अपने घर से पैसा दे रहे हो. पॉजिटिव सेविंग का मतलब अपने घर में पैसा ले जाते, ले जाते. ठीक है ना, चलो. दस सेंटीमीटर का इधर और 10 सेंटीमीटर का इधर.
पढ़ाई कर लो वरना कोचिंग को ही बदनाम करोगे कि कोचिंग में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ वन वन वाई एक्सेस पे टू टू का, सॉरी एक्स एक्सेस पे टू टू का। रितिका ज्यादा दिक्कत हो रही है बेटा देखने में। हाँ कोई है दुकान पे? और सचिन एक काम कर, मैं एक नंबर दे रहा हूँ उसको, उसे अब रिवर्ट कर अपने अभी, है ना? मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? एक नंबर दे रहा हूँ, उससे बात कर। ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट है, यहाँ 2 सेंटीमीटर पे पॉइंट है। हेलो सचिन आया होगा दिख तेरे पास? हाँ हाँ बात करा मेरी भैया से ले लो। चेक करो, जब सबसे पहले इसमें रिलेशन बताते हैं, इसमें इनकम में और कंजम्पशन में। इनकम की जो लाइन होती है वो हमेशा कौन सी लाइन होती है? 45 डिग्री की लाइन होती है। कितने डिग्री की लाइन होती है? 45 डिग्री। 45 डिग्री की लाइन कुछ इस तरीके से बन जाती है। अपने ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस स्केल रखा और मार दिया। अरे बनाना चाहो तो बना भी सकते हो अकॉर्डिंगली, कोई दिक्कत नहीं। इसको कंजम्पशन बोलते हैं, इसको इनकम बोलते हैं। ठीक है, जब जीरो इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? कितना? 20। 20 जब मेरी 40 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? 50 जब मेरी 80 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? अच्छी। एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। 40 तो 50 हुआ।
एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड। देखना जो 80 आ रहा होगा ना वो लाइन पे टच कर रहा होगा तुम्हारा, अगर लाइन पे टच नहीं कर रहा तो लाइन गलत बनाया हुआ है। और भैया 50 सही करो तो फिर अगर उसको फिर सही से बना लो, कर्व को सही से बनाना पड़ेगा, सेविंग कर्व को। जब मेरी 120 इनकम थी तो कंजम्पशन कितना था? 100। और जब मेरी 160 इनकम थी तो 140। और 200 थी तो 170। भैया 40 पे 50 थी वो सही कर दो। सही, अपने आप चेक कर लेना, तुम लोग सही से कर लेना, मेरा बेटा स्क्रीन है, समझदार हो, इतना तो समझ गए होगे। तुम लोग अगर सही तरीके से बनाओगे तो कुछ ग्राफ ऐसा बन के आ रहा होगा, ये 80 पे कट कर रहा होगा ये चीज। अगर बिल्कुल ग्राफ उससे बनाया होगा, लाइन ऐसी बन रहा है गलत, वो सेविंग की लाइन गलत बनाई है ना फिर बेटा, सेविंग की लाइन सही से बनाओ। क्या सेविंग की लाइन बनाने के लिए अब एक काम करना, प्रोटेक्टर रख लेना अपने पास, कंपास बोलते हैं प्रोटेक्टर, कंपास कंपास वो चांदा चांदा चांदे को रख लेना अपने पास, उसमें लगाना 45 डिग्री का पॉइंट लगाना, एक लाइन खेते ठीक है। आप देखेंगे तो ये जो एरिया है और ये वाले एरिया में एक चीज दिखाई देगी, ये इनकम थी, ये कंजम्पशन था, ये इनकम थी, ये कंजम्पशन था। शुरुआत में इनकम और कंजम्पशन में देखोगे तो कंजम्पशन ऊपर जा रहा है। शुरुआत में अगर चेक करो, शुरुआत में अगर चेक करोगे ये कंजम्पशन है, ये कुछ कमाल से हो लुटाए जा रहे हैं, जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे कंजम्पशन बढ़ने लग गया, जैसे जैसे इनकम बढ़ी भैया। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हाँ हाँ वो नहीं आ रही क्योंकि मैं पता है। अब देखो चेक करो बेटा, ये रेड लाइन है ये इनकम के लिए और जो ब्लैक लाइन है वो कंजम्पशन के लिए। अब इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, जब जीरो इनकम थी तो कंजम्पशन कुछ पॉजिटिव है या नहीं है? कितना पॉजिटिव है? 20 का। इसका मतलब क्या है? ये बेसिक 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 नीड्स खर्चा हो रहा है। फिर मेरी इनकम बढ़ना चालू हुई तो कंजम्पशन भी ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हुआ। एक टाइम ऐसा आता है कि इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपकी जो सेविंग होगी, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले आपकी जो सेविंग होगी वो नेगेटिव रहेगी। चेक करके देख लो, रेड रेड लाइन नीचे रह रही है, ब्लैक लाइन की। रेड लाइन नीचे रहने का मतलब क्या है? इनकम कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आपकी पॉजिटिव सेविंग चालू होगी। कौन सी सेविंग? इसका मतलब क्या शो होता है कि आपकी जो इनकम है वो ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। इसके ब्रेक इवन पॉइंट के बाद देखोगे लाइन जो है, रेड लाइन जो है वो ऊपर है और ब्लैक लाइन जो है नीचे। समझ में?
इसको बोलते हैं नेगेटिव सेविंग। नेगेटिव सेविंग का दूसरा नाम डिस सेविंग। इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेविंग। या सेविंग या केवल सेविंग। होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं रुक जाऊंगा, दोबारा से समझा दूंगा। तो सर कुछ नहीं किया हुआ, ग्राफ को बनाया। ग्राफ को अचानक ही बनाओगे, अगर मैं किसी 10th क्लास के बच्चे से भी बोलूं कि भाई ये वैल्यूज है, ग्राफ बना दो, ऐसे ग्राफ बन के आएगा। अब इस ग्राफ को तुम्हें कैसे समझना है वो बताना है, कि तुम्हें क्या समझना है कि जहां ग्राफ दोनों मीट कर रहे हैं वो तो है ब्रेक इवन पॉइंट, उससे पहले क्या होगी नेगेटिव सेविंग, मतलब कुछ कमा नहीं रहे हो, मतलब कमा कर रहे हो बचा नहीं रहे हो कुछ भी। और ग्राफ पॉइंट के इस साइड आ जाते तो यानी आपके पास पैसा बच रहा, इतनी सी बात होगी। यही लिख समझ में आया जूम? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। तो लिखो एक्सप्लेनेशन पॉइंट्स पे लगवाते हैं एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, ताकि सही से आ जाए। फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन कर्व, कर्व है ना, ये कंजम्पशन फंक्शन का कर्व है। वी कंक्लूड बुलेट्स लगाते जाओ लिखते जाओ, या ABCD लगाते जाओ लिखते जाओ। कंजम्पशन इज पॉजिटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। बिकॉज ऑफ बेसिक नीड्स। भैया पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव के बाद क्या भैया? मैंने क्या पॉजिटिव बोला है? मैंने कुछ बोलो। कंजम्पशन इज पॉजिटिव एट जीरो लेवल बिकॉज ऑफ सम बेसिक नीड्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब मैं पूछता हूं एक मास्टर क्वेश्चन, व्हाट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन? व्हेन कंजम्पशन इज पॉजिटिव एट जीरो लेवल ऑफ इनकम इट इज नोन एज ऑटोनोमस। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस की स्पेलिंग आती है? बहुत बढ़िया, आती है। सेकेंड पॉइंट ई इज अ ब्रेक इवन पॉइंट। वेयर कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। कंजम्पशन किसके बराबर है? इनकम के बराबर। वे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। आप 80 रुपए कमा रहे हो और 80 रुपए ही खर्च कर रहे हो, तो सेविंग कितनी करोगे? जीरो। एट दिस पॉइंट सेविंग इज जीरो। लिख लो एट दिस पॉइंट सेविंग इज जीरो। अब जैसे ये पॉइंट लगा हुआ था, आप ये ऐसे करके थोड़ा सा वो बना देना, देखो ऐसे करके, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू वाई और एस इज इक्वल टू जीरो। ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब कंजम्पशन वाई के बराबर हो या फिर सेविंग जीरो। एक और पॉइंट, बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट
सेविंग इज नेगेटिव बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज नेगेटिव अगला पॉइंट इसी में लिख देते हैं आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज पॉजिटिव ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है क्या लगता है आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे इस पर बिल्कुल मिले अब आप उसको चेक करो अपने जो स्केड्यूल बनाओगे उसमें भी समझ में आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेविंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या चीज थी वो आ रहा है अभिषेक देखो ये मेरा 6 मार्क्स का क्वेश्चन था जो मैंने खत्म कर दिया अब आगे आते हैं कंजम्पशन के ही लिख रहे हैं C इज इक्वल टू C डैश प्लस अभी नहीं ये तो बाद में लगाएं एक और प्रॉब्लम पढ़ा दें नया टॉपिक इसी का एक्सटेंशन है इसको एपीसी भी बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रो पेन पी आर ओ प्रो फिर पेन की स्पेलिंग पीई एन फिर एस आई टी वाई टू कंज्यूम देखो व्हेन कंजम्पशन इज डिवाइडेड बाय इनकम व्हेन कंजम्पशन इज डिवाइडेड बाय इनकम वी गेट एपीसी मतलब पूरी फुल फॉर्म ले देना इसका फॉर्मूला क्या होगा APC is equal to C divided by Y. V get के बाद क्या है? है? V get के बाद APC. यही है definition. बेटा, consumption कभी negative होता है? चेक कर लो ग्राफ में हमेशा पॉजिटिव रहता है तो एपीसी कभी भी नेगेटिव आंसर शो नहीं करेगा हमेशा कौन सा आंसर शो करेगा पॉजिटिव तो लिखो फीचर्स हैं ये इसके फीचर हैं ये एक मार्क्स का क्वेश्चन है एक एक मार्क्स के ट्रू फॉल्स के आते हैं क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आते हैं एपीसी कैन नेवर बी नेगेटिव बिकॉज consumption is always positive Marginal propensity to consume. इसको बोलते हैं MPC. When there is When there is change in income, then there will be change in consumption. ये इसकी डेफिनेशन ठीक है ना
जब इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन में चेंज आता है, जैसे कि सपोज करो एक बार रिपीट कर दो, व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम देयर विल बी चेंज इन कंजम्पशन। चेक करो यहाँ पे इनकम कितनी थी, जीरो से कितनी हुई 40, 20 कौन था 40 बोला है, यहाँ पे इनकम कितनी है वो, सॉरी कंजम्पशन कितना है, अब कितने का हो गया 50, तो कंजम्पशन कितना पड़ा 30 और इनकम कितनी पड़ी ज्यादा, तो 30 डिवाइडेड बाय 40 करोगे तो जो आंसर आएगा उसको एमपीसी बोलेंगे। तो अब एमपीसी का फॉर्मूला लिखते हैं, एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। चेंज का मतलब जानते हो, पहले से पुराने और नए में माइनस करना, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू। इसका एक क्वेश्चन करके दिखा दो, इनकम 30 थी और ये 40 था, कंजम्पशन 20 था और 30 हो, तो चेक करो इधर देखेंगे, इसको चेक करेंगे, ओल्ड वैल्यू कौन सी है, ये ओल्ड है, न्यू कौन सी है, ठीक है ना। तो ऊपर फॉर्मूले के हिसाब से एमपीसी रखा, न्यू वैल्यू कितनी है कंजम्पशन की 30 माइनस, और इधर समझ आ गए, यही एमपीसी होता है। अब एमपीसी शो क्या करता है ये सारी चीजें मैं कल बताऊं, एमपीसी होता क्या, अभी तो डेफिनेशन पड़ी पर होता क्या है वो बताएं। फीचर्स लिखना रहे, फीचर फीचर दो है, जैसे पीछे के दो एक दो लाइन के थे, हाँ एमपीसी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर बी जीरो और नेगेटिव, ना पॉजिटिव जीरो हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता, अभिषेक आकाश प्रेजेंट, अंश प्रेजेंट, अविरल चल बोल, दिशा प्रेजेंट भैया, दिव्या दिव्यांश, दुष्यंत प्रेजेंट भैया, गगन प्रेजेंट भैया, कुंजिता अर्गुन प्रेजेंट भैया, हर्षित प्रेजेंट भैया, हनी प्रेजेंट भैया, जशन जैती जैती कशेश ललित प्रेजेंट भैया, माधव मानस भैया मैं प्रेजेंट हूँ, कशिश कशिश गुप्ता हाँ भैया, मानस मनीष मोहित मुस्कान प्रेजेंट भैया, निशांत प्रेजेंट भैया, प्रखर ऋचा प्रेजेंट भैया, ऋतिका साक्षी यस भैया, शौर्य
शुभ प्रेजेंट भैया, स्नेहा प्रेजेंट भैया, सुशीन, कनिष्का गोयल प्रेजेंट भैया, कनिष्का पांडे प्रेजेंट भैया, यश 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 मित्तल, मोहित क्या मना कर रहा था तुमसे कि नहीं पड़ेगा, तो फिर तुमने ऐसे क्यों पूछा? हाँ वैसे कर नहीं रहा, क्लास पूछूंगा उससे। कंटेंजेंसी रिजर्व, ऐसे रिजर्व, हेलो, ऐसे रिजर्व सपोज करो हमें लाइबिलिटी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सपोज करो मेरा एक कोर्ट में केस चल रहा है 1,00,000 रुपए का, किसी ने मेरे पे केस कर दिया और वो 1,00,000 का केस हो, हेलो एक लाख का केस हो सकता है, तो अब मुझे पता नहीं मेरी लाइबिलिटी भी हो सकती है एसेट या हो भी ना, तो उसके लिए बना के नमस्ते। हाँ नहीं, कंटेंजेंसी रिजर्व रिजर्व आर नॉट शोन इन द लाइबिलिटी, कोई भी नहीं होगी, बताता हूँ। हेलो हाँ मोहित, क्लासेस नहीं कर रहे बेटा? कंटेंजेंसी रिजर्व क्या कहते हैं, देखो मीता एंड फादर बैलेंस शीट रोड एफिडेविट, हाँ रिजर्व है रिजर्व, देखो ये कह रहा है बैलेंस शीट ऑन दिस डेट, ये होता है बैलेंस शीट होती है, मेरे को बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ, बैलेंस शीट में कभी शो नहीं होता, बैलेंस शीट के फुट नोट में दिखाया है, बटेगा रिजर्व की तरह, रिजर्व की तरह नॉर्मल रिजर्व नॉर्मल हाँ, तभी तो सोच के दिमाग से चलाना पड़ेगा ना, फिर हमें इसको क्या कहते हैं 30-30 से बढ़ाओ, जो इसमें जो इसमें बस 10 रखो, उधर 10 बढ़ा के रखो तो 10 कम करो, वही रेमुनरेशन जो है वाला आवाज में इसको कह रहा हूं प्लस आकाश के अकाउंट में ये वाला लाइव ये प्रॉफिट एंड लॉस है, एप्रोप्रिएशन वाला एप्रोप्रिएशन लायबिलिटी में दिखाया जाता है, एंड फिर इसको लिख लेना हमेशा, क्या कहते हैं इफ नथिंग इज सेड अबाउट द प्रॉफिट देन कंसीडर इट टू बी द लायबिलिटी प्रॉफिट, कराऊंगा मैं उसको क्वेश्चन। क्या हुआ डाल दी मैंने सारी सब बंद, कौन से महीने की है मुझे कुछ अंदाजा नहीं है, तो वो